सकते हैं उनको इंसाफ, मुझे इंसाफ मिले। क्या कोई मंत्री विधायक इतना बड़ा हो गया है कि कार्यकर्ताओं को हत्या करने की बात करेगा? जो भी करोगे लिखोगे तो हाँ। समझ जाके तुम्हारे हाथ पर तोड़वा देगा हम। और एक मुझे एक डर है कि मुख्तार अंसारी का एक करीबी जो उनके गैंग में रहता है, उनसे उनके बड़ा रिश्ता है जो सिकंदरपुर आता जाता है, गाजीपुर का रहने वाला है, उससे मुझे और जान का खतरा है। तो मैं नाम खुलासा करूंगा 3-4 दिन बाद। मेरा गुनाह इतना ही कि मैं टिकट मांगा था उनके खिलाफ और फिर मांगूंगा। पूरी निष्ठा के साथ सिकंदरपुर तैयारी कर रहा हूँ, फिर से करूंगा। टिकट देना ना देना अध्यक्ष जी के काम है। रिजू समय से मैं सिकंदरपुर के विधायक हैं, वर्तमान विधायक हैं, 3 बार के विधायक हैं, वर्तमान पूर्व मंत्री हैं, और मैं कार्यकर्ता हूँ। और अखिलेश जी जिसको सिंबल देंगे मैं उसी का प्रचार करूँगा, ना कि किसी के डर के आगे मैं समाजवादी पार्टी का विरोध करूँगा। उनका एक गनर रहा है जो फिलहाल अंसारी परिवार से दूर है, उससे मुझे जान का ज़्यादा खतरा है। मेरा नाम मोहम्मद जुबेर खान सोनू है, मैं समाजवादी पार्टी यूथ का राष्ट्रीय निवर्तमान सचिव हूँ। मेरे साथ एक दुर्घटना हो गई है जिससे मैं मीडिया के सामने से आपसे गुहार कर रहा हूँ, मुझे मदद हो और मेरी जान को माल की सुरक्षा की गुहार कर रहा हूँ मैं। देखिए, सिकंदरपुर नगर पंचायत में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी घोषित, समाजवादी पार्टी द्वारा दिनेश चौधरी प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, और वहाँ पर पूर्व मंत्री जियाउद्दीन रिजवी साहब अपने पक्ष के प्रत्याशी को टिकट ना मिलने के कारण एक प्रत्याशी अपना लड़ा रहा है। मुझे 2022 से मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, कई बार परेशान किया गया, जलील किया गया, लेकिन मैं नहीं बोला कि चलिए सीनियर नेता है। लेकिन परसों जब सिंबल में जमा कर रहा था दिनेश चौधरी का तहसील के बाहर, और रात को नगर में भ्रमण कर रहा था, तब तक मुझे जियाउद्दीन रिजवी साहब फ़ोन करते हैं और मुझे जान से मारने की धमकी और मेरा हाथ पैर तोड़वा देंगे और बोल रहे हैं कि यहाँ सिकंदरपुर दिखे तुम्हारी हत्या करवा दूंगा। हेलो, हाँ, सिंबल का जी राष्ट्रीय अध्यक्ष फ्री होल्ड कर दिया गया सिकंदरपुर। हम तो चाचा उस पर कुछ लिखे नहीं है, हम तो उस पर कुछ लिखे नहीं है। लिखे हो, आपके चिट्ठी पे कुछ नहीं लिखे हैं? नहीं लिखे हो कि रिजवी साहब सिंबल से लड़े उसी का विरोध कर रहे हैं? ना, कहीं कुछ नहीं लिखे हैं। हम लिखे हो चल रहा तमाम लोग हम तो हम वो डाले हैं कि दिनेश बताओ अब सिकंदरपुर में क्यों क्या कर रहे हो? यहाँ यहाँ हो जब बाढ़ से खाली वहां क्यों नहीं जा रहे हो? हम बाढ़ से क्यों करना है बताइए, वहां से जो तो बात 5 साल में मिले बाद फिर 5 साल हमको टिकट मिले फिर 5 साल रहो हारम क्या जीता हो तो आप क्या कहें आपको हम? मगर इस तरह की हरकत करोगे हम तो कहीं लिखे नहीं है। हम आपका चाचा आपके हम चिट्ठी का कहीं विरोध नहीं किए हैं। अगर कुछ भी करोगे लिखोगे तो हाँ। समझ जाके तुम्हारे हाथ पर तोड़वा देंगे हम। तो तोड़वा दीजिए, अब यही हो जाए तोड़वा देंगे, इस बार बहुत बुरा हो जाएगा। चलिए ठीक है, तोड़वा दीजिए। हाँ ठीक है, हरकत मत करो तुम। कायदे से आप न रहने दे रहे हमको, क्या तुम्हारा नुकसान करे तो बताओ। अरे आप डाक बंगला में याद है आपको हम क्या किए थे आपका? कहा डाक बंगला में आपका क्या किए थे हम? आप हमको माला नहीं पहनने दी चाचा, आपको चाचा चा करते हैं आप। अभी 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 चाचा टिकट अभी उस दिन विधानसभा में आपसे मिले, हम कुछ बोल रहे मिलकर आप ही बोलने लगे, हम कुछ बोलते हैं आपको? हम तो सलाम करते हैं आपको, सलाम किए तुमसे, आप ही ना सबके सामने बोले कि हमको चुनाव में जो बोला सब आप एक बार आदेश किए हम आपके साथ आगे कुछ बोले उसके बाद? हम हमारे साथ आए या नहीं आए छोड़ो, हाँ आते तो नहीं आते तो हमारे से तो फर्क नहीं पड़ता। अरे ठीक है, आप बड़े हम कहाँ कह रहे हैं। हाँ मगर तुम इस तरह की हरकत मत करो, तुम जाओ बांस जी खाली बांस जी में राजनीति करो, मगर यहाँ इस तरह की हरकत करोगे तो आदमी कितना बर्दाश्त करेगा यार? आप बता हम क्या लिख दिए हैं, हम कहीं देखे हैं कुछ? अरे सिंबल आज राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कैंसिल किया उसका सिंबल, तो हम तो चिट्ठी पे कुछ जीरा भी नहीं किए हैं। तो तुम लिखोगे जिस सिंबल पर लड़े थे, अंडमट लिखने की आदत पड़ गई क्या तुम लोग? हमारा तुम उखाड़ लोगे क्या? तो आप इस तरह बोल रहे हैं, हम तो कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। हमारा उखाड़ लोगे? आप बड़े हम चाचा कहते हैं आपको, हम आप सब तमीज तो तुम तमीज के दायरे में रहो। अच्छा यहाँ क्या है या क्यों तुम डिस्टर्बेंस? अरे हम चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, टिकट मांगे थे फिर मांगेंगे। टिकट मांगो, मांगे ना टिकट। तो हम कुछ बोले हैं आपको ना? आपके मीटिंग में गए ना बुलाते हैं आप हमको, तो नहीं जाता है आपके मीटिंग में? मीटिंग हम बुलाते हैं, हम क्यों बुलाएंगे तुमको? तो हमको जो लोग बुला रहे हैं हम जाएंगे भाई, पार्टी के नो भी हैं। जा तो इस तरह की तुम जाओ उनका प्रचार करो ठीक है, मगर अंडमट क्यों लिखते हो? अंडमट मत लिखा करो, ये सब काम बंद करो।
ठीक है, जाओ तुम, हमको रोक रहे हैं क्या? नहीं रोके कैसे, हम स्वतंत्र हैं जहाँ। बहुत लोग विरोध करके हमारा, हम आपका विरोध कहीं नहीं करते हैं, आप झूठो हमको लिखवाते जुड़ाते हैं। लोग के हम पैदा कैसे बनी? अरे तो आप तो बड़े हैं तबे ना पैदा करेंगे, हम नए हैं ना अभी। हाँ तो नए नए तोरा जन लोग ढेर के लोग पैदा कर बन हमारे लोग का हमारे उखाड़ी जन लोग। आप झूठो, कुछ ना बिगाड़ पाई। अब तो तोड़वाएंगे तो तोड़वाइए, अब क्या किया जाएगा, ये बचा है। अब ये हो, ठीक है, आप जो करना करिएगा। इस संदन भाई, हम लोग जिला डीएम एससी साहब से मिले हैं, उनको पूरा आडियो सुनाया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को नेतृत्व को दे दिया गया है, नरेश उत्तम जी को सूचना दे दी गई है, और जिले के कई बड़े नेता समाजवादी पार्टी के, हम इस बात से दुखित हैं, हमारे पक्ष में है, और मुझे इंसाफ चाहिए। मैं आप लोग के माध्यम से चाहता हूँ कि क्या मुसलमान होना, क्या गरीब परिवार के बेटा क्या विधानसभा टिकट नहीं मांग सकता? सिकंदरपुर के जो हमारे वर्तमान में विधायक हैं जियाउद्दीन रिजवी साहब, जो उनका ऑडियो वायरल हुआ है, जो कुछ हुआ है, इसकी मैं निंदा करता हूं। वो पार्टी के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। और जो हमारे पार्टी के युवा नेता हैं जुबेर सोनू, उनके साथ जो हुआ है उसको भी मैं निंदा करता हूं। दोनों नेताओं से मैं बात करूंगा गंभीरता से कि समाजवादी पार्टी दल बड़ा है व्यक्ति बड़ा नहीं है, दोनों लोगों से वार्ता करके हमारा प्रयास रहेगा कि सारे मतभेद को भुला करके पार्टी हित के लिए दोनों नेता हमारे लिए, पार्टी के लिए, समाज के लिए, समाज की बेहतरी के लिए दोनों लोग काम करें, जिससे समाजवादी पार्टी की तरक्की हो सके, समाजवादी पार्टी का विकास हो सके। ये दोनों लोगों से मैं बात करके प्रयास करके मामले को निपटाने का प्रयास करूंगा।